तो देखेंगे 12 राशियों के लिए ये भी क्या फल लेकर आ रहा है। सबसे पहले मेष एरीस। मेष राशि वालों, आपको इस वीक कुछ डिले हो सकती है, आपके काम में कुछ पिंचिंग हो सकती है, आपके अपने लोग ही आपको हर्ट करेंगे, तो आपको इस वीक पेशेंस रखनी है। आपके हेल्थ और आपके रिलेशनशिप में इस वीक कुछ इम्बैलेंस होगा, बट ओवरऑल अगर आप पॉजिटिव हो तो आप ये सिचुएशन से जल्दी से बाहर आ जाओगे। अब हम देखेंगे अगली राशि, वृषभ राशि, टॉरस। तो वृषभ राशि वालों, आपको इस वीक बुरी नज़र, नेगेटिविटी, जेलसी से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इस बुरी नज़र, नेगेटिविटी के कारण आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सारी पिंचिंग होगी, बट स्टिल आप पॉजिटिव होने के कारण अपने प्रेयर्स और अपने विल पावर से आप जल्दी से सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। अब हम देखेंगे तीसरी राशि, मिथुन राशि, जेमिनाई। तो मिथुन राशि वालों, आपको इस वीक ब्लेसिंग का कार्ड है, स्पिरिचुअल बिगिनिंग का कार्ड है, आपके करियर बिजनेस में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, आपके इंट्यूशन से आप आगे बढ़ोगे, फाइनेंशियल फ्लो भी काफ़ी अच्छा रहेगा और रिलेशनशिप में थोड़ी छोटी मोटी पिंचिंग है, बट ओवरऑल इट विल बी वेरी गुड। तो अब हम देखेंगे चौथी राशि, कर्क राशि, कैंसर। तो कर्क राशि वालों, आपको इस वीक जस्टिस का कार्ड आ रहा है, हेल्थ एंड रिलेशनशिप विल बी ओके। तो कर्क राशि वालों, आपको कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, बट स्टिल आपको पॉजिटिविटी से ये सिचुएशन में से बाहर आ जाना है, बट काम में आपको सफलता अच्छी मिलेगी। अब हम देखेंगे अगली राशि, पांचवी राशि, सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपको इस वीक बहुत ही अच्छे मनी मैटर्स में सफलता के कार्ड्स आ रहे हैं, आप जगलिंग करके भी आपके काम में आप जो मेहनत कर रहे हो उसका अच्छा फल आपको मिलेगा। आपके साथ जो भी है उसमें आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके जीवन में आपको मिलेगा और आपकी सारी चीज़ों में आप जो भी विश करते हो सारी विश आपकी पूरी होगी और हेल्थ और रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे। अब हम देखेंगे अगली राशि, कन्या राशि, वर्गो। कन्या राशि वालों, न्यू बिगिनिंग है, कुछ नई शुरुआत होगी आपके साथ, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, बट आपको ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होंगे। अब हम देखेंगे अगली राशि, तुला राशि, लिब्रा। तो तुला राशि वालों, इस वीक आपको रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे, करियर बिजनेस में सफलता मिलेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और ओवरऑल आपको इस वीक मनी में बहुत अच्छा फायदा होगा। तो आपको इस वीक सफलता, गुड लक, मनी मैटर्स, सक्सेस, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अब हम देखेंगे अगली, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको इस वीक सक्सेस, ब्लेसिंग एंड स्पिरिचुअली अवेकनिंग का कार्ड आ रहा है, तो आपका करियर बहुत अच्छा होगा, आपको कुछ नया नॉलेज आप गेन करोगे जिससे आपको अच्छा सक्सेस और सफलता मिलेगी, बट रिलेशनशिप में कुछ पिंचिंग हो सकती है और आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे नौवीं राशि, धनु राशि, सेजिटेरियस। तो धनु राशि वालों, इस वीक कुछ नए रिलेशनशिप, न्यू बिगिनिंग होगी, कुछ गुड लक है, आपके काम में भी सफलता मिलेगी, आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें आपको बहुत अच्छा हार्डवर्क करना पड़ेगा और उसमें आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, बट रिलेशनशिप में कुछ अपने लोग आपको पिंचिंग करेंगे, तो आपको अपने आप पे पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना है। अब हम देखेंगे दसवीं राशि, मकर राशि, कैप्रिकॉन। मकर राशि वालों, बुरी नज़र, नेगेटिविटी, जेलसी से प्रोटेक्शन करना है, अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखिए, लोगों को ज़्यादा नज़र में लोगों की नहीं आना है, आपको अपनी हेल्थ में बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी और रिलेशनशिप में कुछ पिंचिंग हो सकती है। अब हम देखेंगे ग्यारहवीं राशि, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों, आपको तो इस वीक सक्सेस, विक्ट्री का कार्ड है, तो आपकी सारी विश पूरी होगी, विद्या सरस्वती देवी का आशीर्वाद है, बट आपके रिलेशनशिप में आपको कई लोग हर्ट करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है अपने आप का और अपनी हेल्थ। तो अब देखेंगे हम लास्ट राशि, मीन राशि, पाइसिस। तो मीन राशि वालों, आपको इस वीक ब्लेसिंग, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड आ रहा है, तो आपको इस वीक मेडिटेशन, प्रेयर्स करने हैं जिससे आप हेल्थ में कुछ आपको छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको डबल माइंड नहीं होना है, जो आपको प्रैक्टिकली अच्छा लगे वो डिसीजन लेना है, रिलेशनशिप विल बी वेरी गुड।